और ये सीधी तस्वीरें रांची के जगन्नाथ मंदिर के पास से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं, पारंपरिक ड्रेस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और उनके साथ रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा हैं और उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और रथ बिल्कुल सजकर तैयार है और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का पूजा अर्चना करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचे हैं। और देखिए, अभी रथ के ऊपर मुख्यमंत्री को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया जा रहा है, पूजा अर्चना अभी यहाँ पर होगी। हजारों की संख्या में भीड़ है रथ के चारों तरफ, रथ को खींचने के लिए दूर दूर से लोग पहुँचे हुए हैं रांची के इस धुरुआ स्थित जगन्नाथ मंदिर में। अभी देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़े हैं और पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय हैं, रांची के सांसद संजय सेठ हैं, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कई जो नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और ये भीड़ आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग पहुँचे हैं, हर कोई कैमरे में इस तस्वीर को कैद करना चाहता है। और आज जिस तरह से भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के दिन राजधानी रांची में मौसम सुहाना हुआ है, बारिश होने के बाद जो गर्मी का एहसास था वो कम हो गया है। ये देखिए, पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब सामने आ चुके हैं और उनके साथ हटिया के विधायक नवीन जायसवाल, खिजरी के विधायक राजेश कच्छप हैं और कांग्रेस नेता विनय के साथ साथ आलोक दुबे और कई जो नेता हैं इस इलाके के, खास करके हटिया और धुरुआ इलाके के, वो वहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। पूजा अर्चना अब हो चुकी है, अब रथ को खींचा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी देखिए, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन पहुँच चुके हैं और वे भी अब पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना यहाँ पर हो रही है। देखिए, जो पुजारी हैं उन्हें दक्षिणा भी राज्यपाल ने दिया और वे माला पहना कर यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं राज्यपाल को। और अब रथ खींचने की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। पूजा अर्चना लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी है और जो भीड़ है उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है। जो श्रद्धालु पहुँचे हैं दूर दूर से, आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी है। पूरा जो रोड है जगन्नाथ मंदिर से लेकर पौसी बाड़ी तक का, वो पूरा पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। और अब सभी जितने भी नेता हैं और खास करके मुख्यमंत्री और राज्यपाल और तमाम लोग, वे अब नीचे धीरे धीरे उतर रहे हैं। अब रथ खींचने की जो तैयारी है वो शुरू होगी। अब देखिए कि राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीचे उतर रहे हैं, साथ में हटिया के विधायक नवीन जायसवाल हैं। और देखिए, आरती की थाली यहाँ पर घूम रही है। आरती लेने के लिए भी जो श्रद्धालु हैं उनमें एक उत्साह देखने को मिल रहा है। कई मीडियाकर्मी कवरेज के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए, हर किसी का मन बस अब इसी इंतज़ार में है कि कब रथ को खींचा जाएगा। और अब रथ में रस्सी लगाई जाएगी और देखिए, अंतिम रथ यात्रा शुरू करने से पहले ये प्रणाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन और तमाम जितने भी लोग मौजूद हैं, रांची के एसएसपी हैं, डीसी हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। हर एक वर्ष खास करके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इलाके के विधायक और जो भी नेता हैं वो इस पावन अवसर पर ज़रूर शामिल होते हैं, पूजा अर्चना में शामिल होते हैं। और यहाँ आप देखिए कि जो ऊपर रथ के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई गई थी, उस सीढ़ी को यहाँ से हटाया जा रहा है। और देखिए, ये जो रथ खींचने की जो रस्सी है उसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने यहाँ पर पकड़ लिया है और अब उसे धीरे धीरे खींचने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। आपको बता दें कि इस बार नया रथ जो है बनाया गया है। आप देखिए कि लोगों में जो है थोड़ी भगदड़ की भी स्थिति बन गई, क्योंकि रथ को बहुत स्पीड से लोगों ने खींच दिया। पुलिस प्रशासन के लोग यहां पर देखिए मौजूद हैं और किस तरह से मुख्यमंत्री और राज्यपाल इस भीड़ में घिर चुके हैं, उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और गाड़ी के पास उन्हें लाया गया है। ये कि मुझे राजनीतिक कोई भी परिस्थिति हो,
मुझे आप लोगों से आग्रह कि यहाँ से पीछे आज के इस शुभ अवसर पर यहाँ पहुँचने का मौका मिलता है और रक्त जीतने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोग से मैं तभी से आग्रह कर रहा हूँ वॉलंटियर भाई से कि किसी लोगों को पीछे के लिए इसी लंबी परंपरा के साथ कि कम से कम 20 फीट हटाएं। आज भी हम लोग यहाँ महामहिम राज्यपाल महोदय भी यहाँ उपस्थित हुए, कई सारे जनप्रतिनिधि यहाँ। इस दिन का तो वैसे भी जब आज ये यात्रा समाप्त होगी तो अगले यात्रा की इंतजार हमें रहती है। और पीछे कीजिए सर को, यहाँ पर पीछे कीजिए रस्सी से, बीच में बहुत भीड़ भी लगी। घड़ी आपके समक्ष का उत्साह और लोगों की खुशियां लोगों के चेहरे आज के शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, झारखंड वासियों को आप लोग से आग्रह है कि इसको आज ऐसे ही नहीं संचालित करें। यात्रा के शुभ अवसर आप लोग से बार बार आग्रह किया जा रहा है कि आप लोग पीछे हट जाएं। भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद पूरे राज्य के जनता को मिले, ये मैं बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनु एवं नगरा टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in